आजकल आँखों के कलर को चेंज करने के लिए कलर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत कॉमन है। तो क्या इन कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करना सेफ है? क्या बार बार इन कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? कितना सेफ होता है कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना? आइए जानते हैं इसका आंसर हमारे डॉक्टर से, डॉक्टर नयन ठक्कर से। लेट्स वेलकम हिम। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर धरती। कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेस काफ़ी सेफ है, आप अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल काफ़ी लेडीज़ यूज़ करते हैं फॉर कॉस्मेटिक रीजंस, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप उसका केयर सही तरह से लें, आप उसको ओवर यूज़ ना करें। अच्छा होगा कि आप 12 घंटे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ ना करें, इससे कि आपको आँख के कॉर्निया को ऑक्सीजन कम हो जाता है। अगर आपका ऐसे काम है जिससे आपको 12 घंटे से ज़्यादा पहनना पड़े, तो आप बेटर मटेरियल, हायर डीके वैल्यू मटेरियल, उसको सिलिकॉन हाइड्रोजेल लेंसेज बोलते हैं, उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप लेंस का केयर सही तरह से करें तो आपके आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको आँख कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ के बाद धोनी है, आँख को सही तरह से उसका केयर लेना है, लेंस को पहनने के पहले और पहनने के बाद क्लीन करना चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपकी अगर आँख लाल हो जाती है, तो बेस्ट है कि आप थोड़े दिन के लिए कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना बंद कर दें, इससे आपकी आँख वापस नॉर्मल हो सकती है। अगर बार बार आपकी लेंस पहनने के बाद लाल हो ही जाती है, तो फिर आपको आँख का फिटिंग, कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग के बारे में चेक करना ज़रूरी है। आपका कॉन्टैक्ट लेंस आपके आँख के लिए सही फिट है कि नहीं, ये चेक करना ज़रूरी है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस ओवर यूज़ करते हैं और आपकी आँख लाल हो जाती है, तो कभी कभी आँख में इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि आपके आँख में बाद में कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है, आँख की नज़र भी उस पर असर हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस आप इस्तेमाल करिए, लेकिन आप उसके लिए सही केयर लीजिए, जिससे कि आपको आँख में कोई प्रॉब्लम ना रहे। अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं, तो डॉक्टर एट केयर वर्ल्ड टीवी पर हमें अपनी क्वेरीज मेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।